प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सब नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ जी, अज असी सैवनथ क्लास का जिहड़ा सिक्स्थ चैप्टर है जो ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुजा उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.4 उसके क्वेश्चन नू करांगे सोल्व। पर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नू सोल्व करन तो पहला तुहानू कुछ चीज़ों बारे पता होना चाहिए है, पहला वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी, किसी भी त्रिभुज के विच यानी कि ट्राइंगल दे विच, सपोज़ द ट्राइंगल इज़ ए बी सी, किसी भी दो साइड्स का जोड़ हमेशा तीजी साइड तो वड्डा हुंदा है, ये तुसी याद रखना है। सो जेकर अपने कोल ट्राइंगल दियां साइड्स ने ए बी ते सी वड्डी है मान लो, तो छोटिया का जोड़ है जिहड़ा ए प्लस बी वो भी वड्डी जिहड़ी साइड है उस तो वड्डा होना चाहिए है। हाँ जेकर आपां बी ते सी लै लीए एक वड्डी ते छोटिया चो एक, तां वो तां छोटी तो वड्डा बणी जाएगा। सो इसी तरह सी ते ए दा जोड़ है जिहड़ा वह तीजी साइड बी तो वड्डा होएगा। सो याद रखना है हमेशा ही किसी भी त्रिभुज ट्राइंगल दे विच दो साइड्स दा जोड़ हमेशा तीजी तो हुंदा है वड्डा। सो ये चीज़ याद रखण वाली है। एक होर चीज़ जो तुहानू पता होवे कि किसी भी ट्राइंगल दे विच मीडियन यानी कि मध्यिका की हुंदी है वो भी डिस्कस कर लैंदे आ। सपोज़ ए बी सी ट्राइंगल है अपने कोल, तां जेकर मैं बी सी साइड का मिड पॉइंट ले लाँ मध्य बिंदु यानी कि इस नूं दो बराबर हिस्सों में वंडन वाला पॉइंट है जिहड़ा वह ले लाँ, तो ए नूं उहदे नाल जॉइन कर दाँ, उहदे नाल मिला दाँ, मान लो ये डी है, तो ए डी आ जिहड़ा रेखा खंड होएगा यह लाइन सैगमेंट ए डी सिखर नूं सामने वाली किसी भी सिखर यानी कि वर्टैक्स नूं सामने वाली साइड के मिड पॉइंट मध्य बिंदु नाल, मध्य बिंदु जिहड़ा सामने वाली साइड नूं दो बराबर हिस्सों के वंडदा पिया है उहदे नाल मिलाउण वाली रेखा नूं कहिंदे ने रेख अपना मीडियन यानी कि मध्यिका। सो इस तरह जेकर आपां बी तो एक मीडियन खिंचना होवे तां एक वह भी खिंच सकदे आ, इस तरह सी तो भी एक मध्यिका आ सकदी है। सो हरेक त्रिभुज के तीन मध्यिकावां यानी कि तीन मीडियन हुंदे ने, ते उचाई ते मध्यिका ये अलग अलग हुंदे ने। जनरली जेकर इस तरह की त्रिभुज है जिहड़ी आपां ये डिस्कस कीती है इहदे विच ਉਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਚਾਈ, ਅਤੇ ਆਹ ਮੱਧਿਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਅਤੇ ਸਮ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਿਕਾ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਇੱਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਧਿਕਾ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੱਧਿਕਾ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਿਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੋਲਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਦ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਾ ਜੋੜ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਲੱਸ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, 6 ਅਤੇ 4, 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਲੱਸ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜੋ ਕਿ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 35, 38, 40, ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ 35 ਅਤੇ 38, 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਲੱਸ 38 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 35, 35, 70 ਅਤੇ 3, 73, 73 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੱਡਾ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਯੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 3, 4 ਅਤੇ 10 ਛੋਟੀਆਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਡਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸੋ
क्योंकि जोड़ वड्डा होना चाहिए सी, नहीं होया तो ये आजगा नो यानी कि नहीं। सो फस्ट क्वेश्चन डन। सैकेंड तो आ जाने, अ पॉइंट ओ इज़ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, किसी त्रिभुज ए बी सी के अंदर है बिंदु ओ, तो आप जड़े ने निशान लगाने ने। हाँ जी, ये आप जी अगले क्वेश्चन की डायग्राम है उसकी हेल्प ले सकते हैं। हाँ जी, उन्होंने ही समझ लें कि इसकी डायग्राम है वह, तो आ जड़ा अंदर पॉइंट है वह ले लें। तुम इस तरह की डायग्राम बना सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, दूजे के लिए ओ ए ते ओ बी का जोड़। हाँ जी, ओ ए ते ओ बी आ जड़ी त्रिभुज है इनू देखिए आप वाली नू, ओ ए ते ओ बी का जोड़ तीजी भुजा ए बी तो वड्डा होना चाहिए क्योंकि आप पहले ही गल की है दो का जोड़ तीजी तो वड्डा होवे ताही त्रिभुज बनती है। सो दो का जोड़ तीजी ए बी तो वड्डा होएगा। ओ बी ते ओ सी, ओ बी ते ओ सी हुण आ वाली त्रिभुज नू देखते पए हां, ओ बी ते ओ सी का जोड़ किस तो वड्डा होएगा बी सी तो, सो दो का जोड़ तीजी बी सी तो वड्डा हो जाएगा। फिर ओ ए ते ओ सी, ओ ए ते ओ सी, हाँ जी ओ ए ते ओ सी दा जिहड़ा जोड़ है वह ए सी दे बराबर है। हाँ जी, ओ ए ते ओ सी दोनों नू जोड़ के ए सी बराबर आ जाएगा इत्थे। फिर सो आ सिंबल आना चाहिए अपने कोल। सो ये हो गया अपना दूजा क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन की आही डायग्राम दिती हुई है, शो की करना ये आप कहता कि ए बी बी सी, ए बी बी सी, सी डी ते डी ए, यह वड्डा है ए सी ते बी डी दे जोड़ तो, ये आप देखना चाहते हैं ये। हाँ जी, पहला आप ट्राइंगल ले लें ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी विच, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख लेना इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी इस तरह लिखना है। हाँ जी, दो का जोड़ कर दें आप ए बी ते बी सी का, ए बी ते बी सी का जोड़ ए सी तो वड्डा हो जूगा क्योंकि दो का जोड़ तीजी तो वड्डा हुंदा, इनू दे लांगे नंबर एक आप। उस तो बाद ए बी बी सी होगी, हुण आ वाली ट्राइंगल लैंदे आ बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी विच लिख लियो, इच की आ जूगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी ते सी डी का जोड़ किस तो वड्डा आ जूगा बी डी तो, ये आ गया नंबर दो अपने कोल। हुण पहला आ ट्राइंगल ले ली, हुण आपां आ ले ली, हुण आपां आ ले लैंदे आ ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, उहदे विच सी डी ते डी ए दा जोड़, दो साइड दा जोड़ हो गया बाहरलियां दा, सी डी ते डी ए दा जोड़ ए सी तो वड्डा आ जूगा, नंबर तीन आ गया ये। हुण अगली बार आपां इत्थे पहुँच जाने आ ले लैंदे आ ए बी डी, ए बी डी नहीं ना होई पहलां, ट्राइंगल ए बी डी, इहदे विच किहदा किहदा जोड़ करांगे डी ए ते ए बी दा, डी ए ते ए बी, जिहड़ियां नीलियां नीलियां उहनां दा जोड़ किया एक पासे आपां, दूजे पासे फिर अपने कोल आ जिहड़ी पिंक है आ मिली जांदी आपणे कोल। सो इस तों वड्डा किस तों होजूगा, देखो डी ए ते ए बी, इह किस तों वड्डा होजूगा तीजी साइड सी उहदी बी डी तों, इह हो गया नंबर चार। हुण इहनां चारां नूं जोड़ दिंदे आं, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। हाँ जी, एक पासे अपने कोल आह जिहड़े बाहर वाले सारे नीले नीले ये आ जाणगे, पहलां ए बी ते बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी प्लस सी डी ते डी ए, सी डी प्लस डी ए प्लस, हाँ जी डी ए ते ए बी, डी ए ते ए बी मैं इत्थे लिख दिंदा नाल। हाँ जी, एक पासे सारे आ गए, मेरे को जगह थोड़ी सी, तुसी इको लाइन च लिख लियो वड्डा है। हाँ जी, दूजे पासे ए सी बी डी, ए सी प्लस बी डी प्लस फिर ए सी फिर बी डी, ए सी ते बी डी। हाँ जी, ए बी दो बार आ गया, बी सी एक बार दो बार, बी सी भी दो बार आ गया, दो बार आ गया ए बी ते दो बार ही आ गया बी सी ते सी डी भी दो बार आ गया, टू सी डी प्लस टू डी ए भी दो बार आ गया, तो यह वड्डा होगा। दूजे पासे ए सी दो बार, दो ए सी ते बी डी भी दो बार, दो बी डी।
जी इस तो बाद मैं इधर उपर लिख लैंना, उपर लिखन लगा जी। हाँ जी हाँ, सारे का जोड़ा दो है ये कॉमन कर लें, दो एक पास आजगा, अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए तो व्डा है, दूजे पास उन्होंने भी दो कढ़ लें कॉमन सांझा जिन्हों कहते हैं ए सी प्लस बी डी। हाँ जी इन्हों का भी मैं दो सांझा कढ़ लिया हाँ बाहर, हूँ आ दो ना दो कढ़ सकते हैं क्योंकि दो तो दो तो व्डा नहीं ना हो सकता, सो बाकी हिस्सा आह इस तो व्डा होगा। सो की आजगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए वड्डा है ए सी प्लस बी डी तो। हाँ जी यही चीज़ बन गई अपने को, सो यह आजगा येस यानी कि हाँ। सो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हाँ जी हुण आ जाने आप फोर्थ क्वेश्चन पर, कहिंदा ए डी ए मीडियन है, मीडियन यानी कि मध्यक है, ट्राइंगल ए बी सी दे विच इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वड्डा है टू ए डी तो। हाँ जी ये देख लें आप फिर सोल्व करके, ये चाहे मध्यिका कहती हालांकि यह लगती नहीं, यह इतने होनी चाहिए सी एग्जैक्टली इनू इतने आना चाहिए सी, मैं ड्रॉ कर दिना थोड़े लिए तुसी सही बना लियो डायग्राम, इतने आना चाहिए आ वाली ना बनायो, मैं उन्होंने कट कर दिना डी इतने लै लियो क्योंकि आप पहले ही गल की वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट नाल यानी कि मध्य बिंदु नाल मिलती होंगी है, सो इतने आनी चाहिए है। हुण आपां पहले लै लैंदे आ ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी विच या इन ट्राइंगल ए बी डी की आजगा, दो दा जोड़ करते हैं ए बी ते बी डी, ए बी ते बी डी दा जोड़ तीजी जिहड़ी ए डी है उस तो वड्डा आ जाएगा, नंबर एक दे लैंदे आ इहनूं आपां। हुण आपां ट्राइंगल इधर वाली छड के पहला आ लै ली आपां, हुण दूजे नंबर ते आ ट्राइंगल लैंदे आ आपां ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी विच इंग्लिश मीडियम वाले लिखणगे इन ट्राइंगल ए सी डी। हाँ जी उधर विच भी जोड़ कर लैंदे आ ए सी प्लस जिहड़ियां बार बार ने नीलियां नीलियां उन्हां दा जोड़ करदे आ ए सी प्लस सी डी, ए सी ते सी डी दा जोड़। हाँ जी तीजी कड़ी बच गई ए डी तो वड्डा हो जाएगा, इहनूं देवांगे नंबर दो, ऐड कर दिंदे आ वन प्लस टू करते हैं, एक पासे आ जुड़ जाणगे ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी, दूजे पासे ए डी ते ए डी, ए डी प्लस ए डी। हाँ जी ए बी आ देख रहे हैं ए बी ते आ ए सी, देखो ये तो पूरी पूरी ही ने, इन्हों का कुछ नहीं करना, एवं आनगियाँ आंसर भी देखो आ जो प्रूव करना उस भी ए बी ते ए सी आदियां पे या सी ए कह लिए इनू ए सी या सी एको गल हों फिर बी सी बनता पाया। देखो हूँ अपने को बचे बी डी ते सी डी, बी डी ते सी डी तो अपने कोल बी सी बन जाएगा, सो ए बी प्लस इन दोनों तुसी बी डी प्लस सी डी लिख लेना, ए सी नू सी ए लिख सकते हो ग्रेटर ए डी ते ए डी दो ए डी बन जाएंगे, सो ये बन गया ए बी प्लस बी डी, बी तो डी तक फिर डी तो सी तक बन गया बी सी पूरा प्लस सी ए वड्डा हो गया टू ए डी तो आजगा येस यानी कि हाँ। सो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट अपने को। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन तो आ जाने एक्सरसाइज के, कहता द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर बिटवीन वट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, दो साइड्स दे दित्तियां 4 सेंटीमीटर ते 6 सेंटीमीटर तो कहिंदा तीजी साइड की जिहड़ी लंबाई है कित्थों कित्थे तक होनी चाहिए है। देखो जेकर तीजी साइड की लंबाई देखो इन्हां दा डिफरेंस लै लैंदे आ पहलां तां 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, दो तो वध होनी चाहिए है 2 सेंटीमीटर आ गया ना, 2 सेंटीमीटर तो वध होनी चाहिए है तो इन्हां दा जोड़ 6 प्लस 4 10 सेंटीमीटर तो घट होनी चाहिए है, बस ये विच विच रहूगी ये हमेशा 2 सेंटीमीटर तो वध ते 10 सेंटीमीटर तो घट। हाँ जी हुण जिहड़ी ये आंसर दिता है बुक दे विच उन्होंने 3 सेंटीमीटर तो 9 सेंटीमीटर लिखिया, 3 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर, हालांकि इहदा सही आंसर है जिहड़ा वह देखो 2 तो वध है तो वह 2.1 भी हो सकती है तो 10 तो घट वह 9.9 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है क्योंकि देखो 2.1 सेंटीमीटर ही लईए आपां तां साइड्स की हो जाणगीआं अपने कोल, फिर 2.1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर, देखो 4 ते 2.1 का जोड़ 6.1 हो गया, तीजी तो वड्डा हो गया
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2.1 ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਗਜੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਐਕਚੁਅਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਲੈੱਸ ਦੈਨ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.4 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਪਟਰ 6 ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।